इस बीच एक और बड़ी खबर है और खबर जुड़ी हुई है यूपी कैबिनेट से जुड़ी हुई। यूपी से इस वक्त की यह बड़ी खबर है, सियासी खबर है। यूपी में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, सोर्सेज के हवाले से खबर है। नवरात्र में जल्द ही कैबिनेट विस्तार संभव है। ओपी राजभर को कैबिनेट में जगह मिलेगी, दारा सिंह चौहान को भी जगह मिलेगी उपचुनाव में जीते एक बार फिर से। और उसके बाद अब देखिए खबर यह है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी। ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का छोड़कर साथ छोड़कर अब फिर से एक बार एनडीए के कुंबे में शामिल हो चुके हैं। और अब इसलिए जानकारी यह है सोर्सेस के हवाले से कि दोनों को ही जगह मिल सकती है। कैबिनेट विस्तार जब होगा नवरात्र में माना जा रहा है, क्योंकि नवरात्र को शुभ माना जाता है। और आमतौर पर आपने देखा कि जब भी कैबिनेट विस्तार होते हैं ऐसे वो कोई शुभ मुहूर्त में होते हैं, तो इस बार अब क्योंकि आने वाले दिनों में अब नवरात्र है, उससे पहले श्राद्ध है, श्राद्ध के बाद नवरात्र आने पर जानकारी यह है कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और जिन दो मंत्रियों का जिक्र किया जा रहा था उन दो मंत्रियों में नाम ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का संभव है। बार बार देखिए ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर बीजेपी की रणनीति में ऐसा क्या बदलाव होने जा रहा है, क्यों इतना इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग, गौ सेवा आयोग, SC ST आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग समेत दर्जन भर सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्तियां भी होनी है। बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी है कि आखिर वो दो मंत्री कौन से होंगे, वो दो चेहरे कौन से हो सकते हैं, आखिर पेज क्यों फंसा हुआ है। अवनीश विद्यार्थी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अवनीश, जानकारी ये है कि कैबिनेट विस्तार जिसमें लगातार देरी हो रही थी, जिस पर सवाल भी उठ रहे थे कि ऐसा कहां पर पेज फंसा हुआ है, अब जानकारी ये है कि ओपी राजभर और दारा सिंह वो दो चेहरे हैं जिन दो मंत्रियों का जिक्र बार बार हो रहा था। देखिए इस बात को लेकर एक बार फिर से अटकलें शुरू हो गई। हालांकि घोसी के उपचुनाव से पहले और उपचुनाव के बाद भी इस बात की अटकलें सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अभी दो दिन पहले यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और उसमें भी ये मुद्दा आया था। अपनी सहमति जरूर कोर ग्रुप ने दे दी है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर अगर केंद्रीय आलाकमान की अनुमति मिलती है तो विस्तार किया जा सकता है। न सिर्फ दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर बल्कि और भी कुछ नाम है। दारा सिंह चौहान को भी लगातार इधर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के अंदर बीएल संतोष के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास मुलाकात के लिए देखा जाता रहा है। इस बात को की जो संभावनाएं हैं उनको बल मिलता है इससे, क्योंकि जब केंद्रीय नेता तो लगातार इस तरह के संवाद या इस तरह के संपर्क करता है तो कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें जरूर और पुख्ता होती हैं। माना जा रहा है कि जो माने जाते हैं श्राद्ध के दिन उनके बाद यानी नवरात्रि में या नवरात्रि के बाद के दिनों में जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि समीकरणों के लिहाज से कुछ मंत्रिमंडल में पद रिक्त हैं, कुछ विभागों की जिम्मेदारी भी है जिनको जो है मंत्रियों को दिया जाना है, लिहाजा सरकार इस बारे में विचार कर सकती है और मुख्यमंत्री के स्तर से इस बात को लेकर के राजभवन से भी संपर्क किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अभी 20-25 दिन और जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार में लग सकते हैं। जी मंत्रिमंडल विस्तार में, अच्छा एक चीज लेकिन देखने को मिली, जब अभी हाल ही में उपचुनाव हुए तो उसमें देखा गया कि ओपी राजभर का बहुत ज्यादा उनकी मौजूदगी का फायदा नहीं मिला बीजेपी को। ऐसे में क्या ये मानकर चलें कि फिर भी उनको खुश रखा जाएगा? नहीं, देखिए सवाल इस बात का नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर के होने से फायदा क्या हुआ। सवाल इस बात का सियासत में कई बार होता है कि किसके साथ नहीं होने से नुकसान क्या हो रहा है दूसरे के साथ जाने के बजाय। तो ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ कितने मुनाफे का सौदा साबित होंगे, बीजेपी शायद इसका आकलन उतने बेहतर तरीके से नहीं कर सकती। शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।